हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट टाइप के। जैसे आपको वर्क दिया, वेजेस दिया, वर्क में चेंज, वेजेस में चेंज, और अर्निंग क्या दिया, कॉन्स्टेंट, या फिर प्राइस और कंजप्शन में चेंज दिया, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट दिया, या फिर इनकम और टैक्स परसेंट दोनों में से किसी में चेंज दिया एक पूछा है, और इनकम टैक्स के बारे में बोल रखा है कॉन्स्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन अपन आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको दिया ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी वन अपॉन बी, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, कॉन्स्टेंट का मतलब वन मान लो, या फिर कॉन्स्टेंट हट जाता है जब प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, कई बार आपने सुना होगा अगर ए बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या बी ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या कि ए में जो चेंज का रेशियो दिया है, जैसे अपन बोले इसको एक्स और वाई, एक्स रेशो वाई, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, वाई रेशो एक्स। कैसे हो जाता है वो समझ लेते हैं अपन एक एग्जांपल से। जैसे मान लो ये दिया है कितना, 5:6, ठीक है। अब ए क्या है, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका रेशो भी क्या हो जाएगा, 1/5:1/6। ये 6 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगा, 6:5, 6:5। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर एक्स रेशो वाई है तो वाई रेशो 6 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पर बेस्ड एग्जांपल कि ए में मान लो आपको दिया है 10% का इंक्रीज। ए में क्या दिया है, 10% का इंक्रीज हो रहा है, बताओ बी में क्या चेंज होगा यदि ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो 10% की इंक्रीज का मतलब क्या है, आप बोलो सर 10% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 1/10, मतलब यदि वैल्यू पहले 10 थी तो अब 10 से बढ़ के कितनी हो गई, 11, ठीक है। तो ये 11 इधर चला जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, मतलब वैल्यू इसकी क्या चेंज हुई होगी, 11 से 10। अपन से यही पूछते हैं कि इसमें चेंज कितने का हुआ, आप बोलो सर देखो 1 का चेंज हुआ है, कितने पे, जो इनिशियल वैल्यू रहती है उस पर, 1/11, मतलब 9.09% माइनस क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, क्या शॉर्टकट है, कि आपको +1/10 दिया है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो आंसर में देखो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, अगर प्लस दिया है क्या आएगा, माइनस, और अगर माइनस दिया होता तो क्या आता, प्लस। यहाँ पर क्या दिया, 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ क्या दिया 10 से ऊपर जाओ 10+1, नीचे इधर लिख दो 11, सिर्फ चेंज कहाँ होगा, ये नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी, 10+1 11, 10 से ऊपर जाते हुए +1 कर दो। जैसे इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आपको दिया है क्या 75% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, या डिक्रीमेंट ले लेते हैं इस बार, 75% की वैल्यू क्या, आप बोलोगे सर 3/4, ठीक है। ए में 75% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब -3/4, तो अपन क्या लिखेंगे, -3/4। अब यहाँ माइनस है तो आंसर में क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ऊपर 3 दिया है तो यहाँ भी 3 आएगा, ऊपर जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू आएगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर जाना है, बीच में जो साइन पड़े वो आपको अप्लाई करना है, मतलब 4 - 3 क्या जाएगा, 1 3/1 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 300%, मतलब यदि ए को 75% कम किया तो बी को 300% बढ़ाना पड़ेगा। इसको इससे करना हो तो इससे करके देख लो, 3/4 मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, 4, अब 4 से 3 कम होकर कितनी रह गई, 1, ठीक है। तो ये 1 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, मतलब 1:4, कितने का चेंज आ रहा है, आप बोलोगे सर 3 का, 3 का चेंज 1 पे, ये सेम चीज़ आ गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि 24 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी फ़ीस कितनी है, ₹549, ठीक है। इमोशन नाम का ऐप है, लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके डाउनलोड कर लो, जिसको एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकता है, एडमिशन अभी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ₹549 फीस है, फीस कुछ कम नहीं होगी, पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने, ठीक है। 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं इसकी क्लासेस।
देखो क्वेश्चन है अपने सामने, क्या क्वेश्चन है? इन अ ट्राइंगल बेस इज इंक्रीज बाय 66:2/3%, देन बाय हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमेन कॉन्स्टेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला क्या होता है आप बोलो सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, सबको पता है। अब देखो एरिया को क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है, और इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एरिया, ये भी क्या होगा, ये भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, मतलब बी इंटू एच, इसी पर अपन को बात करनी है। तो ये क्या बन गया, ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट टाइप का क्वेश्चन बन गया। ये तो क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। अब देखो चेंज किस में आ रहा है, बेस में चेंज आ रहा है, बेस में क्या चेंज आ रहा है, 66:2/3% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 2/3, तो 3 से बढ़ के कितनी हो रही, 5 हो रही है। तो हाइट में क्या चेंज करना पड़ेगा आप बोलो सर? 5 से 3 कितने का चेंज आ रहा है, -2 का, तो -2/5 क्या डिनोट कर रहा है, 40% का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अपन से डिक्रीज ही पूछा है, ठीक है। इसको उस मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे आप बोलो सर? बड़ा सिंपल है, 2/3 दिया है तो यहाँ क्या आएगा, -2 है ऊपर तो ऊपर तो 2 ही आएगा, 3+2 करना है, 5 नीचे आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया एक लाइन में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन को अपन वन लाइन में ही करेंगे, क्या दिया, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज बाय 15%, शुगर का प्राइस क्या हो गया 15% से डिक्रीज हो गया, बाय वाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन सो देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना, मतलब एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस में चेंज हो रहा है कितने का, 15% का, 15% का डिक्रीज, वो भी मतलब 3/20 का डिक्रीज, तो आंसर क्या आएगा आप बोलो सर? 3 है तो 3 तो आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, 20 में से 3 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 17% में निकालना है इंटू 100%, ये क्या फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई, मतलब आंसर हो जाएगा 300/17, क्या हो जाएगा, 300/17%। किसी को ऐसे जानना हो तो ऐसे देख लो भैया, 3/20 का मतलब 20 से कितनी हो गई, 17, ठीक है। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 17 से 20 कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का, कितने पे, ओरिजिनल वैल्यू पे देखते हैं अपॉन 17 इंटू 100% कर देंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, बसीर वर्किंग आवर्स पर डे वॉज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज वेजेस पर आवर बट डिक्रीज बाय हाउ मच परसेंट सो दैट हिज डेली अर्निंग रिमेन कॉन्स्टेंट या रिमेन सेम। अब देखो वर्क इंटू वेजेस बराबर क्या होता है, अर्निंग के होता है, ठीक है। अर्निंग क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब ये भी बन गया ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। उसका क्या हुआ, वर्किंग आवर 20% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब प्लस 1/5, तो वेजेस क्या हो जाएगा आप बोलो सर? देखो बन आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 और 1 6 -1/6, माइनस क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीज को, और अपन से डिक्रीज ही पूछा, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16.66%, ये आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, जो ए इंटू बी कॉन्स्टेंट बराबर पे क्या है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल बाय 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशियंट टू बाय 104 kg राइस प्रीवियसली, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले जितने रुपए में 104 kg राइस खरीद रहे थे, अब उतने रुपए में कितने राइस एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये अपन से पूछा, मतलब प्राइस क्या रखा है ना फिक्स, उतने ही रुपए, या विद द मनी दैट सफिशियंट टू बाय राइस प्रीवियसली, मतलब प्राइस मनी को उनने क्या रख रखा है, कॉन्स्टेंट रख रखा है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 35% का क्या हुआ, फालतू हुआ, मतलब 35% की क्या आ गई, कमी आ गई, तो 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/20, अरे 1/20 क्या होता है, 5%, 35% हो जाएगा 7/20, मतलब 20 से घट के कितना रह गया, 13,
तो कंजप्शन क्या हुआ हुआ आप बोलोगे सर 13 से बढ़ के 20, पहले का कंजप्शन दे रखा है अपन को 104 केजी राइस प्रीवियसली, मतलब पुराना कंजप्शन है कितने गुना है 8 गुना, तो नया कंजप्शन कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर नया कंजप्शन हो जाएगा 8 गुना कितना 160 केजी, और दोनों का डिफरेंस अपन से पूछा है इस बार दोनों का डिफरेंस कितना है 7 × 8 कर देंगे क्या जाएगा 56 केजी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 104 में से 160 में से 4, लेकिन ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट निकालो, वो तो इसलिए बता दिया मैंने कि आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नया कंजप्शन बताओ, तो 160 केजी चेंज पूछा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं 56 केजी। ठीक है आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आ रिडक्शन इन 20% इन द रेट ऑफ शुगर एनेबल सुधीर टू गेट 6 केजी मोर शुगर फॉर 960 रुपीज, व्हाट इज द रिड्यूस शुगर रेट। देखो यहाँ पे भी क्या है प्राइस एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रखा है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर जो कि कॉन्स्टेंट है, 20% का रिडक्शन हो रहा है, 20% का रिडक्शन मतलब 1/5 कमी, मतलब 5 से घट के क्या हो गया 4, तो ये रेशियो क्या हो गया होगा 4 से 5। ठीक है 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, यहाँ पे कितनी खरीद रहा है आप बोलोगे सर 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 6 केजी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 6 कर देंगे 30 केजी, 30 केजी खरीद रहा है वो कितने रुपए में आप बोलोगे सर 960 रुपये में 30 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी का प्राइस कितना आ गया 32 रुपये, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे 32 रुपये। एक तरीका तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जिससे आंसर 32 आ गया, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का क्या है देखो बताता हूँ, क्या दे रखा है अपन को 20% की कमी की वजह से 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, 20% की कमी की वजह से क्या खरीद पा रहा है 6 केजी एक्स्ट्रा, मतलब 20% की वजह से कितना खरीद पा रहा है 6 केजी, तो 100% की वजह से कितना खरीद पाएगा यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई 30 केजी, और 100% प्राइस है कितना आप बोलो सर 960 रुपये, मतलब 30 केजी 960 रुपये में खरीद रहा है तो 1 केजी कितने में खरीदेगा 32 रुपये में, यह आ गया रिड्यूस प्राइस। ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, क्या बोल रहा है एक मैन की एनुअल इनकम डिक्रीज हो गई कितनी 1.2 लाख, बट टैक्स ऑन इनकम हैज़ दैट टू पे इज रिड्यूस्ड बाय 12% to 10%, ही नाउ पे सेम टैक्स अमाउंट एज बिफोर, व्हाट इज इंक्रीज इनकम बतानी, इंक्रीज इनकम बतानी है। देखो बड़ा आसान सी चीज़ है, क्या आसान सी चीज़ है, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनकम इनटू टैक्स परसेंट बराबर इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स करने का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं आपकी इनकम कितना परसेंट आपको टैक्स देना है बराबर इनकम टैक्स आ जाता है, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स में रिडक्शन दिया 12% से 10%, अगर इसका रेशो ले लें तो 6 से 5, मतलब टैक्स परसेंट क्या होगा 6 से 5, अब इनकम टैक्स तो सेम दे रखा है कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो इनकम क्या हुई होगी 5 से 6 के रेशो में बड़ी हुई होगी, 5 से 6 के रेशो में बड़ी है, कितनी बड़ी है आप बोलोगे सर 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है 1.2 लाख, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लाख है तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछिए कितनी हो जाएगी 7.2 लाख। ठीक है बिल्कुल ठीक है बाय।